ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲਾ ਲਾਂਦ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CFSL ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਲਾ ਲਾਂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਭੋਲਾ ਲਾਂਦ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। जम्मू ने एक भोलानंद नाम का जो एक व्यक्ति है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उसने क्या किया था, संत श्री आसाराम जी आश्रम जम्मू में बच्चों को दफन करने का एक षड्यंत्र चाल चली थी कि ऐसा षड्यंत्र करके कि बापूजी को और आश्रम को कुप्रचार किया जाए। उस प्रकरण में विक्की नाम का एक लड़का भगवती नगर जम्मू का, उसने उसको टेलीफोन पर संपर्क किया और टेलीफोन पर विक्की को उसने बहुत बड़ी रकम देकर लालच दिया कि शमशान घाट से बच्चे ला करके आश्रम में दफन कर दो, और इस प्रकार से उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई और विक्की ने फिर पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उल्टा उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। भोलानंद अपनी चाल में उल्टा फंस गया। उसके बाद भोलानंद की आवाज़ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर J&K पुलिस आज लेकर के भी आई चंडीगढ़ में CFSL 36 में। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।